Hey viewers, I don't think I need to express what I'm going to share with you in this video. आप सब्जेक्ट में देख ही सकते हैं. Welcome back once again to all of you. आपका ही चैनल है. Keep supporting and love you all. Provisional merit list आई थी. कैंडिडेट जो B.Ed CRC श्रीनगर के लिए या फिर जो IASE श्रीनगर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर द 2022, उसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शंस कोई भी हो उस चीज के बारे में ये अपडेट थी जो मैंने अपने कम्युनिटी टैब में शेयर करी थी. बट आप में से कुछ कैंडिडेट चाहते हैं कि इस पर डिटेल्ड वीडियो हो, तो डेट्स व्हाट आई एम हियर विद यू फॉर ऑल ऑफ यू. बीएड 2022 में एडमिशन लेने के लिए 31 मार्च 2022 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जहां पर सभी जो जम्मू कश्मीर यूटी एंड यूटीएफ लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट किया गया था फॉर गेटिंग एडमिशन टू द बीएड, स्पेशली जो आपके फॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमई रोड श्रीनगर एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन इन कंपोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी बेमिना श्रीनगर में. उसके बाद जो रेस्पॉन्स था कैंडिडेट्स का वो काफी ज्यादा इस कोर्स के लिए कम देखा गया, जिसके बाद बोर्ड ने डिसाइड किया जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनी वो आपके जो 10+2+3 यानी कि जो आपका ग्रेजुएटेड स्कोर है उसके बिना पर इसको तैयार किया गया. और ये आपकी सारी जो प्रोविजनल लिस्ट के जो नेम्स आपको देखने को मिलेगी वो एनेक्स ए में अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी. फर्दर मोर उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड भी दिया गया था कि अगर किसी भी कैंडिडेट को जो पोजीशन उसको इस लिस्ट में दी गई है उसके खिलाफ कोई भी रिप्रेजेंटेशन है या फिर ऑब्जेक्शन है कि उसकी पोजीशन उसके मेरिट के हिसाब से गलत दी गई, तो वो बोपी ऑफिस जम्मू या बोपी ऑफिस श्रीनगर में जाकर 25 अप्रैल तक उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन देनी हो तो दे सकते हैं. कोई भी रिप्रेजेंटेशन ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है कैंडिडेट्स की इसको प्रिपेयर किया गया है जो मैंने आपको बोला है ऑन द बेस ऑफ 10+2+3. अगर कोई भी ऑब्जेक्शन बोर्ड ने रिसीव नहीं किया इस टाइम पीरियड तक तो जो ये लिस्ट आपकी रिलीज हुई इसको फाइनल ट्रीट किया जाएगा. उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वहां पर सबमिट नहीं किया है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स तक उनको बताया जाता है कि आप जो ये सारी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स है आपका जब भी कंसर्न कॉलेज में एडमिशन हो वहां पर प्रोवाइड कर दे. उसके बाद ये पॉइंट है कि बोर्ड ने जितने भी कैंडिडेट्स है उन सबके फॉर्म्स को प्रोविजनली अप्रूव किया जिन्होंने अपलोड नहीं किया डेट ऑफ बर्थ को अदर देन द 10th क्लास एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या फिर पीआरसी में जो दिया था डोमिसाइल में उसको नहीं किया है या फिर रेलिवेंट जो डीओबी सर्टिफिकेट्स वहां पर अपलोड नहीं की है, तो वो चीजें भी आपको बताई गई है कि इनको टाइमली आप करेक्ट करें. हियर यू कैन सी जो आपका सबसे टॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो 87.40 जहाँ पर कुरतुल ए ने ओपन मेरिट की कैंडिडेट और इसी तरह सीरियल वाइज बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर है और अलग अलग कैटेगरीज यू कैन सी ओएससी इज देयर आरबी कैटेगरी है और बाकी जो एसटी के अदर कैटेगरीज आते हैं उसके भी कुछ कैंडिडेट्स है. यहाँ पर उनका सीरियल के साथ उनकी परसेंटेज उनका नाम एंड रैंक दिया गया है अलोंग विद द कैटेगरीज. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. दिस इज ऑल फॉर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड इफ इट इज रियली हेल्पफुल टू यू प्लीज एज आई सेड ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.